हेलो फ्रेंड्स दिस इज अट एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस और इस वीडियो में हम लेसन नंबर फाइव की रिमेनिंग एक्सरसाइज को कवर uh, करेंगे सो so, आपका क्वेश्चन नंबर टेन था लेमोनेड इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वॉटर यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट शुड यू एड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग सुगर इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर सुगर ये पूछें कि जैसे आप लेमन जूस बना रहे हैं तो आप लेमन जूस बनाने के लिए सुगर को डिजोल्व करते हैं क्लियर सुगर डिजोल्व होती है देन अब आपको उसको ठंडा करने का कूल करने का मन कर रहा है तो आपको मन कर रहा है कि इसमें आइस को भी डिजोल्व कर दे तो पूछा ये है क्वेश्चन में कि आइस को आप कब ऐड करेंगे शुगर डिजोल्व करने से पहले या शुगर डिजोल्व करने के बाद सो so, हमें जो आइस उसमें ऐड करनी चाहिए वो शुगर डिज़ोल्व होने के बाद करनी चाहिए नहीं तो अगर पानी जितना ठंडा होगा शुगर उतनी देर में क्या करेगी डिज़ोल्व करेगी जैसे आपने देखा होगा आप जब पानी को बॉयल करते हैं अगर बॉयल्ड गर्म वाटर में अगर आप चीनी डालते हैं तो वो जल्दी डिज़ोल्व कर जाती है कंपेयर टू तो कूल वाटर है ना तो अगर आप उसमें आइस को ऐड कर देते हैं डिजोल्व करने से पहले तो वो ठंडा वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएगी क्योंकि पानी काफी टेम्परेचर उसका ठंडा हो गया होगा तो अगर वाटर हीट होगा गर्म होगा तो आपका वाट जो शुगर है वो ज्यादा जल्दी डिजोल्व कर जाएगा सो तो आपको जो आइस ऐड करना है वो डिजोल्व करने के बाद करना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ की वर्ड्स है यहाँ पर की वर्ड्स में चर्निंग का मीनिंग्स क्या होता है बटर इज टेकन आउट बाई द चर्निंग मिल्क और कर्ड कर्ड और मिल्क को आप क्या करते चर्निंग करते जिससे आपको क्या मिलता है बटर मिलता है नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वैपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म जो वाटर वैपर का कन्वर्जन होता है किसके फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन क्लियर डिकेंटेशन में क्या होता है रिमूवल ऑफ वाटर अबव सेटल मड जो आपका जो नीचे मिट्टी सेटल डाउन हो गई उससे वाटर को उस मिट्टी से उस वाटर को रिमूव करवाना हटाना दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन एवोपरेशन प्रोसेस में क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर मतलब जो वाटर की वाटर होता है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में इट मीन्स वेपर फॉर्म में सो दिस इज कॉल्ड एवोपरेशन फिफ्थ आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है सेपरेट सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं किससे लिक्विड से सो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है रिमूविंग विद द हैंड द पीस ऑफ स्टोन्स हस्क एक्सेट्रा फ्रॉम द ग्रेन ग्रेन से जब आप हस्क को स्टोन को रिमूव करते हैं बाई द बाई द हैंड हैंड से अपने हाथों से उन स्टोन्स को उठा करके बाहर कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मैथड क्लियर नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉलिड जितना ज्यादा से ज्यादा किसी वाटर में डिजोल्व हो सकता था सब्सटेंस वो डिजोल्व हो गया अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिजोल्विंग होना बंद हो जाएगा जैसे उगर कोई आप वाटर में डिजोल्व करते हैं होता जाएगा होता जाएगा लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी तो इस टाइप के सोल्यूशन को आप बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन नाउ नेक्स्ट स्टेप का सेगीमेंटेशन में क्या होता है सेटिंग डाउन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड इन वाटर जो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं हो पाते हैं तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं सो दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन नेक्स्ट है आपका सीविंग में क्या होता है अलाउ ऑन फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव मतलब जो सीव से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं पास हो जाते हैं वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन सीव जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो किस में रह जाती हैं सीव में ही रह जाती हैं सो दिस इज कॉल्ड सीविंग क्लियर नेक्स्ट है आपका सोल्यूशन सोल्यूशन मीन्स क्या होता है अ लिक्विड वेन अ सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन अ लिक्विड जब कोई सॉलिड सब्सटेंस आपका लिक्विड में डिजोल्व कर जाता है सो दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन थ्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है सो द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करना किस प्रोसेस के थ्रू थ्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू और ये कौन करता है फार्मर्स करते हैं ये प्रोसेस क्लियर एंड लास्ट आपका विनोइंग विनोइंग में क्या होता है सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाई पासिंग एयर एयर पास होती है तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं हेवियर कंपोनेंट्स एंड लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं इसमें मिक्सचर में और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वह एयर पास होने के थ्रू वो क्या कर जाते हैं रिमूव कर जाते हैं सो so, आपका चैप्टर नंबर फाइव पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है क्लियर इसकी एक्सरसाइज इसके प्रीवियस वीडियो में आप जा करके आप उसके चैप्टर को समझ सकते हैं देन उसको मैंने फिर कुछ नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया उसे समझिए उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को करिए क्लियर सी यू इन द नेक्स्ट वन तब तक के लिए बाय बाबा, बाय और मिलते हैं नेक्स्ट